alaikum. Good morning. Good morning, Pakistan. कैसे हाँ आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ. मुझे पता है जब एक दिन मैं नहीं आती तो आप लोगों को कितनी मेरी फिक्र हो जाती है. और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी. आजकल जो एकदम कभी कभार सर्दी हो जाती है, कभी कभार गर्मी हो जाती है, इस सर्दी गर्मी की वजह से मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई. और ऐसी कि मैं कल बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी. हाय, हड्डियों में इतना दर्द हो रहा था, कमर में, घुटनों में इतनी तकलीफ थी. फिर मैंने कहा क्या करूं क्या करूं, तो मैं ना आलिया फारूक के सैलून चली गई मसाज कराने. वहाँ मैंने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मसाज कराई कि मैं अपनी हड्डियों पे आज खड़ी हो पाई हूँ, वरना मुझे लग रहा था क्रॉल करके आना पड़ेगा. अच्छा, आप मुझे एक बहुत ही खूबसूरत अटायर में देख रहे होंगे, ये बहुत खूबसूरत पहनावे में देख रहे होंगे. और आपको पता है इस पहनावे में मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ. मेरा मियाँ को तो बस चले, वो कहता है कि तुम ऐसी ही रहो बस. मियाँ को बड़ा अच्छा लगता है बीवियाँ ऐसी तैयार हों. पता है जब आप अबाया पहन लेते हैं ना, आप पूरे कवर्ड होते हैं, तो आप अपने आप को बड़ा प्रोटेक्टेड फील करते हैं. क्योंकि जब आप किसी, मैं आम औरत की बात करती हूँ जो कि बस में ट्रैवल करी, जो रक्षे के लिए स्टॉप पे खड़ी होती है, जो ऑफिस वॉक करके जा रही होती है, जो घर से बाहर निकल रही होती है, तो वो चल रही होती है, तो आपको पता है रास्ते में कितनी सारी एक्सरे मशीन्स आती हैं. चले मैं आपको गिनवाती हूँ. सबसे पहले ठेले वाला जिससे आप सब्जी लेते हैं, फिर गार्ड, चौकीदार, अच्छा दुकानदार, पड़ोसी, आपकी पड़ोसी जो है उनके शौहर, और रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, और बताओ ना, याद दिलाओ ना, ठेले वाला भी हो गया, ऑफिस जाने वाला, कलीग, है ना. एक्सरे होता है आपका कि नहीं? यूं यहां से शुरू तक खड़ी हो, एक मिनट मैं आपको एक्सरे लुक्स बताती हूँ. इधर आना जरा, तुम हाँ हाँ इधर आओ. अब आप मेरी, आप एक्सरे लुक्स, कौन सा वाला कैमरा मेरी एक्सरे लुक्स कवर करे, तो तुम इधर आओ, इधर आओ, ये ओ, ऐसे खड़ी हो ना. अब ऐसे क्यों खड़ी हो रही, ऐसे. हाँ, अब मैं तुम्हें देखूंगी, एक्सरे करूंगी एक ही नजर में. भाई गुस्सा आता है शरीर के समय. अच्छा, और जब उसकी नजर आपकी आंखों तक पहुंचती है तो आप घबरा जाते, जैसे कसूर आपका है, देख वो रहा है, कसूर आपका है. उसकी क्या वजह है? अगर आपने फैशन किया हुआ है, अगर आपने नए लॉन का जोड़ा जो आजकल आया हुआ है, हर तरफ लॉन के जोड़े, और वो पहने में आपने इतनी प्यारे से सिलवा के पहने, अपने दुपट्टे के हिसाब से ट्राउजर पहना है, और बेल बॉटम पहना है जो आजकल फैशन है, जीन्स पहने हुए हैं, आपको खुद शर्मिंदगी हो जाती है, मैं क्यों ऐसी आई. तो इसलिए आजकल मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि रुझान बढ़ गया है, लोग अपने आप को अबाया में कवर कर रहे हैं. अच्छा, लेकिन अबाया में कवर करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आई है कि उनको किस तरह निकलना चाहिए, वो जिस तरह के इलाकों में, क्यों कहते हैं जैसा देश वैसा भेस. अब हम लोग भी, मैं भी जीन्स पहनती होंगी, मैं भी इस तरह के कपड़े पहनती हूँ जो पाकिस्तान में नहीं पहनती, लेकिन जब मैं बाहर घूमने जाती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा जी यहाँ पे कोई किसी को नहीं देख रहा है, सब अपने अपने काम में मसरूफ है, तो मैं जीन्स और शर्ट पहन लेती हूँ. लेकिन मैं यहाँ अवॉइड करती हूँ. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपको लोग अपना काम छोड़ के आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं होते. तो जो जो कंफर्ट लेवल आपका है, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, आपको वो पहनना चाहिए. तो बहुत सारी खवातीन अपने आप को कवर करके बाहर निकलने में कंफर्टेबल होती हैं, वो आराम से सारे काम कर सकती हैं जो उनको करने हैं, उनका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ लगता है और वो है उनका काम, इसीलिए वो अबाया पहनती है. लेकिन उनको ये समझ नहीं होती कि गर्मियों में किस तरह का अबाया पहनना चाहिए. गर्मियों में कुछ ऐसे अबाया, ऐसे मटेरियल्स का अबाया पहन लेती है जिसपे से स्मेल आने लगती है, कि आप अगर बस में उनके पास बैठ जाओ या कहीं, तो आप अजीब सा फील करते हो. तो ये एहसास उन खवातीन को भी होना चाहिए जो खुद अबाया पहनती हैं. फिर सर्दी में भी वही मटेरियल का अबाया पहन लेती है जो आपकी बॉडी के साथ चिपक जाता है. और जब आपकी बॉडी के साथ चिपक जाता है, जो आप जो जिस वजह से आपने अबाया पहना है कवर करने को, वो मकसद पूरा नहीं होता. फिर क्या होता है, कद की छोटी होती है, बना बनाया अबाया खरीद लेती हैं जो कि उनके कद से लंबा होता है, और जब वो चलती है तो या तो वो उसमें गिरने के चांसेस होते हैं, या वो मट्टी से, जमीन से टच होता है, और उसकी वजह से वो सारा अबाया नीचे से गंदा हो जाता है. अब आप रोज रोज तो अबाया नहीं धो सकते ना, किसी के पास एक अबाया होता है, किसी के पास दो अबाये होते हैं, अबायों की कोई दुकान तो नहीं होती हर किसी के अपने बजट के. किसी के सर पे स्कार्फ टिकता नहीं है, और किसी को स्कार्फ सही से पहनना आता नहीं है, आप बुरे लगने लगते हैं. ये थोड़ी कहा गया है आपको कि आप बुरे लगे, आपको उस तरह स्कार्फ पहनना चाहिए कि आपकी फेस की सिमेट्री आउट ना हो.
भाई, अब जैसे मेरा गोल मुंह है, अगर मैं थोड़ी सी बैककॉमिंग के बगैर स्कार्फ पहन लूंगी तो यकीन माने मैं बिल्कुल अजीब सी लगूंगी ना, अंडा। ये थोड़ी कि मुझे बुरा लगना है, मुझे अच्छा लगना है और मुझे इस चीज में भी अच्छा लगना है, प्रेजेंटेबल लगना है। आंखों को आप लोग मुझे देखे तो अच्छी लगनी चाहिए ना। अच्छा, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनको आदत हो जाती है हिजाब लेने की और उनको बगैर हिजाब के या बगैर सर ढके उनको उलझन होती है। और जब उनकी शादी का मेन डे होता है तो हर कोई चाहता है अपनी शादी वो बेस्ट लगे, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ, उनको उनको इतनी आदत होती है हिजाब लेने की, उनको लगता है कि वो अगर उन्होंने हिजाब नहीं लिया तो जैसे उनके पास कपड़े नहीं है, वो इतनी आदी होती है, तो वो अपनी शादी पे भी हिजाब ले रही होती है। तो बहुत अच्छी बात है, जो जिसमें कंफर्टेबल है उसको उसी तरह अपने कपड़ों को कैरी करना चाहिए। तो आज हम आपके सामने एक मुनफरिद कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, ब्राइडल कॉम्पिटिशन होगा लेकिन ब्राइड्स होंगी हिजाब के साथ। फिर हमारे साथ आज शो पे क्या होगा, बालों के साथ तो हर कोई दुल्हन ने बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार कर लेता है, हिजाब के साथ कंपटीशन में जीत के दिखाए तो मैं मानूं कि क्या होता है ब्राइडल कंपटीशन। फिर नादिया हुसैन हिजाब में आपको ब्राइड्स बनाना दिखाएंगी, सिखाएंगी, बताएंगी कि देखिए इस तरीके से भी ब्राइड्स बनाए जा सकती हैं और हिजाब में जो दुल्हन है वो बहुत प्यारी और स्टाइलिश भी लग सकती है, उसका सारा जोड़ा जिस तरह वो दिखाना चाहती है वो सब नजर आएगा, भले वो हिजाब में भी हो लेकिन वो तब भी बहुत खूबसूरत लग सकती है। और बहुत सारे और ट्रेंडी हिजाब और ट्रेंडी अबायाज हम आपको आज दिखाएंगे, तो बहुत इंफॉर्मेशन से भरपूर शो है। अच्छा जी, ये तो हो गई खवातीन की बातें, लेकिन खवातीन का दिल हमेशा धड़कता है ऑब्वियसली अपने घर वालों के लिए और उन्हीं की वजह से वो जिंदा हैं, सेहतयाब हैं और अपने घर वालों को देख के जीती हैं, खासतौर पे अपनी औलाद, अपने बच्चों को देख के जीती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कि मुझे सुकून मिलता है अगर मेरा बच्चा पूरी नींद ले, जो छोटा बच्चा होता है हमेशा माँ उसके लिए बड़ी फिक्रमंद रहती है, बड़े बच्चों के लिए भी लेकिन छोटे बच्चों के लिए ज्यादा, वो अपनी नींद पूरी करे, वो पेट भर के खाना खाए और ये सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो किस तरह, जब बच्चे की नींद पूरी होती है, जब वो सुकून से सो पाता है तो वो खाना भी अच्छी तरीके से लेता है, जब वो खाना अच्छा खाता है तो उसकी ग्रोथ प्रॉपरली होती है और जिस महीने में उसको जितना जितना वजन चाहिए होता है उतना वजन होता है, तो वो अपने हिसाब से सही तौर पर ग्रो करता है और माँ सेटिस्फाइड रहती है। लेकिन उसकी शुरुआत किधर से होती है, यानी कि उसकी जो शुरुआत है वो होती है अच्छे डायपर से। अगर आप, पुराना जमाना होता था लंगोट बांधा करते थे, लंगोट की वजह से बार बार गीला होता था, बच्चा उठ जाया करता था, माँ आधी रात को वो भी उठ रही है बच्चे के लंगोट चेंज कर रही है। अब डायपर्स आ गए, डायपर्स में भी बहुत सारी इकसाम होती है जो अलग अलग किस्म के लोग यूज कर रहे होते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपने मानने के हिसाब से, मगर बेस्ट डायपर्स जो कि मैंने भी हमेशा यूज किए हैं अपने तीनों बच्चों पर, वो है पैम्पर्स। और पैम्पर्स का फायदा यह है कि आप रात को एक पैम्पर बांध के सिला दें और सुबह वो अपनी नींद पूरी करके उठते जितने घंटे उनको सोना है और उस वक्त आप डायपर चेंज करें, वरना बाकी डायपर इतने अब्सॉर्बेंट नहीं होते हैं कि वो रात भर आपके बच्चे को सोने दें। क्या होता है, डायपर लटकना शुरू हो जाता है और फिर वही प्रॉब्लम होती है, भाई माएं तो पैसे बचा रही होती है ना, भाई दिन में चलो हिसाब रखते, क्योंकि महंगे होते हैं ना पैम्पर्स और डायपर्स, तो हिसाब रखते, अच्छा तीन पैम्पर होंगे तो चला लूंगी। तो क्या होता है, पैम्पर पूरा भर जाता है, बच्चे का लटकने लगता है, वो भाग रहा होता है तो वो अजीब सा लटकने लगता है, फिर माएं परेशान होती हैं, बच्चा डिस्टर्ब होता है। तो पैम्पर्स में वो खासियत है, नई टेक्नोलॉजी है कि वो जो बच्चे की बच्चा वेट करता है अपने डायपर को, वो उसे जेल फॉर्म से पाउडर फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से पैम्पर भारी नहीं होता, हल्का रहता है और बच्चा कंफर्टेबल रहता है। और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी डिमॉन्स्ट्रेट करके, अब मैं किसी बच्चे को नहीं बुलाऊंगी कि चलो सूसू करो, डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी आपको, जो कि पैम्पर्स की तरफ से खातून आएंगी और वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी कि देखे ये क्या हुआ, कैसा हुआ। आइए सुंदर सारे, प्लीज डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए कि पैम्पर्स में ऐसी क्या खास बात है, सामने को पैम्पर्स में ऐसी क्या खास बात है जो किसी और डायपर में नहीं है, और क्यों हमें, मतलब तीन बच्चों के बाद भी मैं इस पर इतना भरोसा करती हूँ। जी जी बिल्कुल, अभी हम लोग एक डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। इस डेमो में हमारे पास दो डायपर मौजूद हैं, एक है जदीद टेक्नोलॉजी वाला नया पैम्पर्स और दूसरा है मार्केट में अवेलेबल आम डायपर। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हम इक्वल पानी लेंगे, ये उतना ही पानी है जो एक बच्चे का गीलापन होता है, हम इसे इक्वली इसके अंदर डाल देंगे।
ठीक है जी, ठीक है। ये हमने सारा इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। अब हमें स्टॉपवॉच, जी बिल्कुल, हमें स्टॉपवॉच भी लगानी है क्योंकि हमने इक्वल टाइम देना है ना इन दोनों को एब्जॉर्ब होने के लिए। कितना टाइम देंगे हम तकरीबन? हम फॉर से 2 मिनट्स दे देना। अच्छा ठीक है, काफी। दो मिनट तक हम क्या करेंगे, गाना सुन लूं आप लोग? 2 मिनट तक हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा जब तक 2 मिनट तक जो ना, मैं इन लोगों से पूछ लेती हूँ। हाँ भाई, किसके छोटे छोटे बच्चे हैं जल्दी बताओ। माइक उठाओ, माइक 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 दे इनको। अच्छा बताएं, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरा एक 9 साल का बेटा है, एक 7 साल का बेटा है और 2.5 साल की बेटी है। अच्छा जी, तो ये तीनों में सबसे ज्यादा तंग किसने किया है आपके? खासकर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किसके पैंपर्स पे हुए हैं? बीच वाले ने जी। एक बच्चा होता है ना जिसको बाथरूम जाने का बहुत ही शौक होता है जी, मतलब हर मेहमान के घर, जब भी आप मेहमान बन के किसी के घर जाते हैं, बच्चे को सबका बाथरूम देखने का बड़ा शौक होता है। मम्मा हर वक्त जी पिकनिक पे गए हुए, मम्मा तो ये खाना खा रहे हैं, अभी बैठी है, अभी शुरुआत की है, मम्मा। ये वो बीच वाला बच्चा था आपका जी। अच्छा, और जो आपका बड़ा वाला बच्चा है, अब तीनों में से खाने में तंग किसने किया? खाने में बड़े वाले ने बहुत तंग किया। बड़े वाले ने तंग किया, क्या पीछे लेके भाग के दिखाना जी? और नींद में सबसे ज्यादा तंग किसने किया? सोने में तंग किया है बड़ा वाला जी। ये बड़े वाले असल में हमें पालने नहीं आते जी। मेरी मम्मी भी कहती है तुमने मुझे बड़ा तंग किया, मैंने कहा आपको मुझे पालना नहीं आता था, दूसरे तीसरे में हम एक्सपर्ट हो जाते जी। हाँ भाई, आपका टाइम कितना? अभी तो खाली आधा मिनट की बातें की हैं, कितना मेरा इम्तिहान है। चलिए एक काम करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितना अब्सॉर्बेंट रहा है ये दोनों में से, दोनों डायपर्स में से किसने कितना अब्सॉर्ब किया और क्या चीज हुई है, ठीक है ना? अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना है जिससे मैं आपको गिफ्ट भी दे सकती हूँ। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का बेस्ट डायपर कौन सा है? तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं, तुम्हें क्यों दूं मैं पैंपर? है भाई, तुम्हारे बच्चे हैं? अच्छा है, लॉक इतनी छोटी सी लगता ही नहीं, तो मैं दे रही हूँ तुम्हें ये गिफ्ट है। हाय ये तो बहुत बड़ा है, अब मेरे बच्चों ने डायपर पहनना छोड़ दिया ना, मैं ले लेती। कितना मजा आता है, मुझे भी पता है, जब मैंने कोई ऐड किया हो और मुझे डायपर्स फ्री में मिले हो तो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट होता था जब बच्चे डायपर पहनते थे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कौन सा डायपर कितना अब्सॉर्बेंट है और क्या रद्द अमल हुआ है 2 मिनट बाद। अभी कुछ रिजल्ट पता चलेगा। अभी कितना टाइम है हमारे पास? बस हमारा टाइम कम्प्लीट हो चुका है। हो चुका है, ओके। टाइम कम्प्लीट हो गया तो फिर देख लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। ओके, अब हम देखते हैं आपके सामने इसके वाजे होंगे हिस्से। हाँ। हमारे नए पैम्पर्स में ये फायदा है कि हाँ। इसमें 3 हिस्से कर दिए गए हैं जिसकी वजह से जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है, तेजी से अब्सॉर्ब करता है। अच्छा। और पूरे डायपर में गीलापन को फैला देता है। अच्छा। यही रीजन है कि ये एक जगह जमा होकर लटकता नहीं है। नहीं। और अगर आम डायपर की अगर आप बात करें तो ये एक ही जगह में जमा हो गया है हाँ। और यहीं से भारी होकर लटकने लगता है। और ये तीन उसमें तकसीम हो गया जी, और इसी वजह से ये पूरे डायपर में गीलापन फैल जाता है और इसी वजह से इसका शेप खराब नहीं। अच्छा, जो अजीब बच्चे का नहीं पोपो निकल जाते हैं अजीब, वो लटके लटके से, वो नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सामने है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पैंपर्स कि आप हमें हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे बच्चों की ग्रोथ में। एक छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक बहुत ही खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव शो रिलेटेड टू अबायाज। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप एक बहुत ही खूबसूरत शो देखने वाले हैं हमारे साथ, और इससे पहले कि मैं इस शो को आगे बढ़ाऊं, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ सारे कॉम्पिटिटर्स हैं अलग अलग सैलून से, जिनके सैलून बहुत अच्छी तरीके से ये रन करें, और आज इनको टास्क दिया गया है ऑब्वियसली एक ऐसी ब्राइड जिसका हेयर डू वगैरह ये तो हर कोई जानता है, लेकिन अबाया में एक खूबसूरत दुल्हन को तैयार करना, हिजाब में एक खूबसूरत दुल्हन को तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क है, और आज ये कॉम्पिटिशन में 5 शामिल हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगी। लेकिन इससे पहले हम बुलाना चाहेंगे अपने जज को जो कि ये जजमेंट कर सकेंगे कि इन 5 में से थोड़ी बेहतर किसने बनाई है दुल्हन, नहीं तो ये 5 ही एक्सपर्ट हैं और अपने अपने सैलून चला रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो नादिया? गुड, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक।
नादिया, तुम्हारे सैलून में जो दुल्हनें आती हैं उसमें कितनी परसेंटेज होती है वो लड़कियां जो हिजाब करती हैं और वो चाहती हैं कि वो हिजाब? काफी, आई मीन आई वुड से 30-40% तक तो। अच्छा अच्छा। और डिमांड यही होती है कि जी आप हिजाब ब्राइड करती हैं कि नहीं करती। और अच्छा, मुझे नहीं समझ आता कि हिजाब ब्राइड अलग से क्यों एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जाहिर है हिजाब जो है जो करती हैं ख्वातीन वो तो ब्राइड्स बनती हैं मोस्ट सर्टेनली। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेटिंग द हिजाब, लेकिन कोई अलग से हम इसके रेट लिखें कि जी हिजाब ब्राइड हम करते हैं वो, आई थिंक दैट्स यू नो, क्योंकि बहुत दफा कई लोग हमसे पूछते हैं तुम हिजाब ब्राइड करती है उसका भी हेयरडू होता है अंदर, बाल बनते हैं? कुछ जो होती हैं ब्राइड्स वो खास हेयरडू बनाना चाहती हैं, मतलब पर वो भी सिमटा हुआ हेयरडू होता है, दे वांट कि कोई ना कोई किसी किस्म की स्टाइलिंग कर दें, क्योंकि वो चाहती हैं जाहिर है कि जब खुलेगा बाद में हिजाब तो अगर किसी फोटोशूट में या कोई ऐसा होता है तो फिर दे वांट के बाल थोड़े से अच्छे हों, वरना नॉर्मली वी जस्ट बेसिकली प्लेन जो हेयरडू होता है या बन टाइप हेयरडू होता है थोड़ी सी बैक कॉमिंग करके उस किस्म से करते, बिकॉज फिर जो हिजाब ब्राइड्स होती हैं उनकी अंदर की एक्सेसरीज काफी होती है, अगर उनको थोड़ा सा ऊंचा हिजाब चाहिए तो वो सारा हम तो वो फिर अलग से वो हमें एडिशंस करनी होती। अच्छा, मैं चाहूंगी कि मैं तुम्हारा ना इंट्रोडक्शन करा दूं सबसे, मुझे एक माइक चाहिएगा कॉर्डलेस माइक, ताकि मैं जितनी भी मेरे यहाँ कंटेस्टेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिशन में शामिल होने आई हैं एज अ मेकअप कॉम्पिटिशन हिजाब ब्राइड्स बनाने के लिए, उनका मैं तुम्हें बता दूं कि कौन कौन हमारे पास है ताकि तुम जज कर सको। जब तक जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपके सैलून का? किंजा ब्यूटी सैलून। किंजा ब्यूटी सैलून से हैं, और आप क्या आती है जॉब में जो ब्राइड आप बनाते रहते हैं आप लोग? बहुत कम प्रैक्टिस कम आती है आपके पास? कम आती है। अच्छा, तो देखते हैं कि आज आप कैसा, क्या सोचा हुआ है आपने, किस तरह का स्टाइल करना है हिजाब का, कोई खास स्टाइल करेंगी? देख लेते हैं। देख, प्रैक्टिस करके आई हुई है जी? हाँ, किंजा ब्यूटी सैलून से। जी, आपके सैलून का नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे सैलून का नाम है माहिराज ब्यूटी पार्लर। और आपका नाम? जी, मैं बेला हूँ, ब्यूटिशियन। अच्छा, और आपके पास भी आती है जो आप? हाँ, जी आती हैं। तो आपको प्रैक्टिस है? जी, कोयत से आई थी हमारी ब्राइडल, मैंने उनको किया था, क्योंकि आपको तो पता है कोयत की वहाँ पे बहुत मशहूर है। जी, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। जी, आपका नाम? जी, अस्सलाम वालेकुम। दीबा नाम है, और दीबा के ही नाम से मेरा पास सैलून है। अच्छा, दीबा आपके सैलून का भी नाम है और आपका नाम जी? तो प्यारा नाम है दीबा, है ना? तो आप भी प्रैक्टिस में है कि हिजाब ब्राइड बनानी है? मैंने काफी बनाई है। आपने काफी बनाई है, तो मुकाबला सख्त है ना नादिया? क्या हो रहा है, पिन नहीं लगाया ना मैंने अभी अभी, मैं भी नादिया से सीखती हूँ कि भाई पिन कैसे लगाए, और मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही पहन लिया। हाँ भाई, आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिना फैसल, और मेरे पार्लर का नाम है राफिया ब्यूटी सैलून। राफिया ब्यूटी सैलून। ओके जी, देखते हैं कि आप कैसी हिजाब ब्राइड बनाती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आयशा है, और मेरे ब्यूटी सैलून का नाम जन्नत ब्यूटी सैलून। जन्नत, ओहो, वाह वाह वाह। तो कितनी दिनों ने बना लेती हैं दिन में ये? के ये सीजन पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो आजकल सीजन चल रहा है रबी लेवल में, तो माशाल्लाह बहुत सारे होते हैं शादियां, तो इसमें रबी लेवल में निकाह ज्यादा होते हैं, निकाह भी होते हैं, शादियां भी होती है, और ये जो सीजन है दिसंबर, सीजन तो है ना, अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और नादिया की तरफ से। आप लोग शुरुआत करें, ये लोग आप लोग शुरुआत करें अपना मेकअप वगैरह, अपना स्टाइलिंग शुरू करें, तब तक हम नादिया, इससे पहले कि हम आज लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि माइयो हिजाब ब्राइड कैसी हो सकती है, मेहंदी कैसी है, और तुम करके दिखाओगी ये, उससे पहले मैं चाहूंगी कि अबाया के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, अबाया में भी फैशन हो सकता है, अबाया में भी आप दिल खुश कर सकते हैं, उसका मटेरियल है, उसका टेक्सचर होता है, अबाया के हिजाब लेने के तरीके होते हैं, वो सब हम आपको दिखाएं। तो हमारे पास यहाँ जो महम साजिद हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे, और फिर उनके अबायाज आप देख सकेंगे मॉडल्स के ऊपर। जी महम साजिद, कैसी आप? मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया? सही करा। इट्स महम, इट्स महा, इट्स महा, ओके, महा साजिद जी। तो महा आप कब से, लाइक आपको माइक लगा है? जी हाँ। अच्छा, महा कब से अबाया डिजाइन कर रही हो? दिस इज गोना बी द 8th ईयर। और आपने भी बहुत डिसेंट, वेरी ग्रेसफुल कलर कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो 8 साल से आप अबाया डिजाइन कर रही हैं, और आपकी शॉप किधर है? इट्स इन क्लिफ्टन, द बाज इज द नेम, तो इट्स अ होम बेस्ड स्टूडियो फॉर नाउ। अच्छा, एंड आई हैव अ वेबसाइट, तो पीपल कैन शॉप ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन शॉप जी कर सकते हैं। इतना आप घर से करती हो बिजनेस?
फिलहाल जी. अच्छा जी. और लाइक खाली पाकिस्तान के लिए बनाती हो या बाहर भी भेजती? नहीं, बाहर भी भेजते, बट इस बहुत रेगुलरली नहीं, कभी कभार. जर्मनी भेजा हुआ है, अमेरिका भेजते रहते हैं. अच्छा, तो या तो आइए हम महा की आपको कुछ, एक तो मैंने पहना हुआ है, एक महा ने पहना हुआ है, और हमारी जो मॉडल्स जो हैं, जो उन्होंने कैरी किया हुआ है, उनको हम दिखाते हैं. तो आइए महा साजिद के अबाया कलेक्शन दिखाते हैं. महा की जो, मैं भी खड़ी होता हूँ यहाँ पे, महा की ये कलेक्शन अभी इस वक्त आपके सामने है, और बाकी हम बायाज हमारे पास हैंगर में भी है, वो भी हम दिखा सकते हैं. लेकिन एक फील जो इसका कट है वो सारा आपको नजर आ गया है, कि लाइक इसकी फिटिंग भी नहीं है, लेकिन उसके अच्छा, you know what I don't, मुझे मतलब हमारी यहाँ जनरली जो खवातीन है वो सिर्फ ब्लैक अबाया पहनती है, वो मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है. आई रियली डू फील के कलर्स होने चाहिए अबायाज में, और ये सारे ऐसे यू नो म्यूटेड मैट कलर्स हैं कि जो आराम से हमारी खवातीन पहन सकती हैं, तो क्यों नहीं जो है वो ब्लैक से हटकर जो है वो कोई और कलर पहनती हैं. आई थिंक कि डेफिनेटली यू नीड टू ओपन योर माइंड मोर, एंड बल्कि कहीं पे भी मैं खाले नहीं लिखा हुआ है कि जी आपको सिर्फ काला अबाया पहनना है. कलर्स तो होते ही औरतों के लिए, कलर्स बने ही औरतों के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं है कि ब्लैक पहने. बट आपने बहुत सारे कलर्स
بالکل میں نے لٹرلی سوری ندا میں نے میں ابھی جب مطلب حج پہ تھی وہاں پہ خانہ کعبہ کے اراؤنڈ اتنے سارے رنگ تھے ایون دو کہ میں نے وہاں تک ریڈ بھی ابایا لوگوں کو پہن کے دیکھا ہے بیکاز وہ کلر گروپ ایک وہ جب پورا ہوتا ہے تو وہ اپنے کلرز کے حساب سے جو ہے تاکہ پورا گروپ جو ہے وہ نوٹس ہو سکے تو کسی نے کوئی اورنج قسم کا پہنا ہے کسی نے ریڈ پہنا ہوا ہے میں نے خود پورا گرے کا تھرو آؤٹ پہنا ہوا تھا تو وائٹ بھی مطلب وائٹس تو خیر ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں بلیک پہ اتنا زیادہ فوکس ہے یہ ایک بنا ہوا ہے کانسیپٹ کے آئی تھنک یہ ٹرینڈ ابھی ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ مطلب تھوڑا سا بلیک پہلے چلتا تھا اب آہستہ آہستہ کلرز لگ گئے میں مارکیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلیک کے ہٹ کے کچھ آ رہا ہے when I started this 8 years back اس وقت بالکل بھی مجھے کلر کہیں نہیں دکھتا تھا اور مجھے پہننا تھا ابایا تو I was like میں بلیک تو نہیں پہنوں گی تو I made a red abaya for myself میں نے ریڈ ابایا پہنا and I was like why not بالکل start تو but then آپ کی اپنی پریفرنس ہے ہمیں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتی کہ آپ غلط پہن رہے ہو اچھا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ تو بات ہوگی کلرز کی کلرز ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت ریسنٹ کلرز ہیں اس وقت جو تم لے کر آئی ہو لیکن تم یہ کہہ رہی ہو کہ لائک ریڈ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی دوسرے وائبرنٹ کلرز جو آپ کی چوائس ہے اس کے ساتھ بالکل گرمیوں کے لیے کیسے ابایا ہونے چاہیے سردیوں کے لیے کون سے مٹیریل کے ابایا ہونے چاہیے دیکھیے سردیوں کے لیے ابھی جیسے ابھی آئیں گے اس میں ویلویٹ بھی ہے ویلویٹ ہے روشیا ہے آپ کا تھک فیبرک آ جاتا ہے جرسی میں ڈفرنٹ ٹائپس آتے ہیں اچھا کچھ موٹا ہوتا ہے کچھ پتلا جرسی بھی ہوتا ہے جو اب سمرز کے لیے بھی آ رہا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں پھر اس کے ونٹرز کے لیے سارے اور ابھی جیسے آپ نے پہنا ہے یہ شفون ہے اینڈ دین سلک یہ سب آپ سمرز میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سلک تو بالکل باڈی سے چپک جائے گا سردی میں تو بالکل چپک جائے گا لیکن یہ اس کے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا سلک ہے اچھا پیور سلک ہے یا پولیسٹر سلک ہے اٹ ڈپینڈ اچھا جیسے اگر آپ پیور سلک پہ نہیں جائیں سیٹن نہیں پہنے تو وہ لیکن یہ پتلا کپڑا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ ونٹرز کے لیے نہیں ہے یہ سمرز کے لیے بٹ یو نو واٹ انادر تھنگ آپ کو ابایا تو اوپر سے پہننا نا آپ بھلے اندر سے اپنے آپ کو وارم رکھیں اور اوپر سے آپ پتلا ہی کپڑا پہنے تو یو نو ایٹ لیسٹ اس کا فلو اچھا ہے ابایا کا جو مجھے لگتا ہے جو کانسیپٹ ہونا چاہیے خاص طور پہ ہماری خواتین کے لیے اندر سے آپ نے بھلے آپ یو نو گرم کپڑے پہنے ونٹرز کے لیے اوپر سے آپ کا فلو ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کا باڈی کٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نمایاں نہ ہو اور ایک پہنا ہوا جو ہے وہ اچھا لگے جیسے میرے ہسبینڈ سعودی عرب سے میرے لیے کاٹن کا ابایا لیا ہے اب وہ میں نے پہنا تو میں ان کے برابر لگ رہی تھی مطلب تو وہ فلوئی فیبرک میں نے کہا کہ اور یو نو ابایا کے نیچے جو ہے وہ آپ نے کچھ بھی پہنا ہوا آپ نے جینس پہنی ہوئی ہو آپ نے اندر نائٹ سوٹ پہنا ہوا آپ نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہو آپ نے اگر سردیوں کے لیے گرم ٹائٹس پہن کے ساکس پہن کے اندر سویٹر بھی پہن لے پولو نیک بھی پہن لے کچھ بھی اندر سے پہن لے اوپر سے آپ نے ابایا جو پہنا ہے آئی تھنک اس کا مٹیریل فلوئی ہی ہونا چاہیے وہ زیادہ بہتر ٹھیک ہے جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ ابایا کے ساتھ بھی دیکھیں جیولری پہنی جا سکتی ہے اور اس کو ایکسیسرائز کیا جا سکتا ہے اگر آپ شادی میں بھی جا رہے ہیں آپ کسی ایسی دعوت میں جا رہے ہیں یہ جیولری ہے کوہی نور کلیکشن کی اور میں بریک کے بعد آ کے بتاؤں گی ان کی جیولری کی اور زیادہ ورائٹی دکھاؤں گی اور ابایا کی اور زیادہ ورائٹی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ نادیہ بتائیں گی ابایا دلہن تیار کرنے کے طریقے اور کس طرح حجاب پہن کے دلہن کو تیار کیا جا سکتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ اور بہت ہی معلوماتی چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گڈ مارننگ ویلکم بیک گڈ مارننگ پاکستان آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا شو جس میں پانچ سیلون سے کمپٹیشن کرنے کے لیے یہاں سیلون اونرز خود ہی موجود ہیں اور یہ دکھا رہی ہیں دلہنیں تیار کر کے حجاب کے اندر ساتھ یہاں ڈیمونسٹریشن کر رہی ہیں نادیہ حسین سیلون سے مائیو مہندی کی برائڈ ہے جس کو حجاب پہنا کے تیار کیا جائے گا اس کو ایک لک دی جائے گی حجاب کے ساتھ اور مہا ہمارے ساتھ ہے اپنے بہت ہی خوبصورت ابایات کے ساتھ حجاب کے ساتھ کوہ نور کی جیولری ہے اور سکارفز کلیکشن ہے جی یہ ہے ہیونز ڈریپ ہے نا ہیونز ڈریپ ہاں آ جائیے نا ادھر آئیے نا ہیونز ڈریپ کلیکشن یہاں پہ آئیے السلام علیکم آپ کو مائک لگے ہاں آ جائیں ادھر آئے اب نادیہ تو اپنے میں لگی ہوئی کون سا حجاب اس نے سلیکٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اچھا جی آپ کی کدھر ہے شاپ اور کہاں سے اویلیبل ہیں یہ حجاب اور ساری
एक्सेसरीज जो है मेरा ऑनलाइन सेटअप है. अच्छा. ऑनलाइन ही मैं करती हूँ. हेवन स्टेप्स के नाम से मेरा पेज है एंड आई एम अ रजिस्टर्ड सेलर एट शियॉप्स एज वेल. वहाँ से भी पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी. अच्छा. और आप दिखा सकती हैं एक्सेसरीज हिजाब के साथ क्या क्या होती है. उस तरफ आ जाइए, मैं भी आपके साथ आ जाती हूँ कि पता चल जाए कि जो चाह रहा है कि वो जी. जैसे नादिया तुम रेडी हो तो तुम बताना क्योंकि तुम्हारी सीट शायद आ रही है ना. हाँ हाँ. अच्छा, कैप भी है ना आपके पास. नहीं, बैंडाना. बैंडाना, ये बैंडाना जी. बैंडाना. अच्छा, पहले बैंडाना बनता है जी. इस तरह बनाते वो कवर. अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं. ये बैंडाना है. अच्छा. तो कुछ लोग वो जर्सी टाइप में टोपी भी पहनते हैं. हाँ, वो पहनते हैं लेकिन उससे हेडेक बहुत हो जाता है. सर में दर्द होता है. वो इलास्टिक होता है. बहुत इलास्टिक होता है और बहुत हेडेक हो जाता है उससे ना. अच्छा. तो ये मैंने करंटली लॉन्च किया. अभी जो ये ब्लैक पहना हुआ, ये भी बैंडाना है. ये भी बैंडाना. अच्छा. ये कॉटन फैब्रिक में है. नेट में भी होता है डिफरेंट जैसे सीजन के हिसाब से. अच्छा. जैसे आज की थीम वेडिंग के हिसाब से थी तो मैंने ये नेट के लेकर आई हूँ. तो ये आप आराम से जो है, दीज आर बेसिकली टाई डाई रुमाल्स जो क्या आप बैक साइड से जो है वो से टाई कर सकते हैं. आप मुझे बांध के दिखाएं कि कैसे होगा, कि कैसे बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह से बैक पे पहले आप अपना वो जूड़ा बनेगा. अच्छा, पहले जूड़ा बना के बालों के ऊपर से और उसके बाद पीछे से ही हूँ ये. अच्छा अच्छा, इस तरह. इस तरह बिल्कुल अपने हिसाब से गिरा बांध. गिरा बांध खुद ही. खुद ही. अच्छा, जिस तरह आप जितना ढीला आप चाहते. जितना ढीला. तो ये टाइट कैसे होता है, ये फिक्स कैसे होता है. ये फिक्स जब आप इसे पीछे से गिरा बांधेंगे फिक्स हो जाएगा. ओके ओके ओके, ठीक है. इसलिए स्लिपरी नहीं होता. अच्छा, उसके बाद फिर इसके ऊपर स्कार्फ बनता है. इसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटी है. जैसे हमारे पास कॉटन फैब्रिक में ये हैंड पेंटेड बैंडाना भी है. वाओ, कितना प्यारा है. तो ये जब आप प्लेन कपड़ों के साथ भी ये प्लेन लॉन के जैसे ड्रेसेस होते हैं. अगर आप कहीं जा रहे हैं तो देखिए, जब बैंडाना बनाएंगे तो ये जो ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ ये तो पीछे ये पीछे आ जाता है. लेकिन जैसे दुपट्टे पे भी लड़कियां जो है सिर्फ दुपट्टा कैरी करती हैं, पहन लेती हैं. नहीं, बैंडाना तो छुप जाएगा. हाँ, बैंडाना छुप जाता है लेकिन ये चीज तो पूरी आपके आ रही है ना. पूरा आप जब ये यूं करते हैं. हाँ. जैसे ये मैंने भी पहना हुआ है तो ये फ्लोरीज आपके सामने से दिख. अच्छा, ये सारी ये चीज आएगी. ओके. अच्छा, और भी दिखा सकती है मुझे बैंडाना और किस किस तरह के होते हैं. अच्छा, वैरायटी है ना, जरा पता भी चले बहुत सारे लोगों. जैसे इस टाइप के भी हैं. स्कार्फ के ऊपर भी टाई कर सकते हैं. आपने एक फोल, फॉर एग्जाम्पल आपने स्कार्फ का एक फोल लिया. हाँ. जैसे मैचिंग में मैं आप लोगों की मॉडल हूँ. सॉरी, कोई बात नहीं. जैसे आपने ये करा एंड देन उसके बाद आपका एक फोल के बाद आप ये टाई करें. ये मैचिंग भी हो जाएगा. ये किया तो उसके बाद ये देखिए ये वाला बता. ये इसके ऊपर यहाँ पे ये देखे. और फिर उसके इसको आप यूं कर ले एंड देन ये जो चीज है इसके ऊपर से ऐसे. समझ आई क्या किसी को, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही, शीशा नहीं है मेरे पास. ये चीज आपने ऊपर से. अच्छा, ओके. सो दिस विल शो, इतना सा पार्ट आपका शो होगा. तो आप ये लेस जो अभी आजकल हर जगह मिल रही है, लेस कैप्स मिल रही हैं, तो वो लेस कैप भी आप अपने स्कार्फ के ऊपर भी पहन सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप अंदर पहने उसको. अच्छा. एक्सेसराइज करने के लिए इट विल शो ये वाला पार्ट. अच्छा, तो वो लेस ऊपर भी पहन. अच्छा, ये लेसेस मेरे पास. आपके पास है लेसेस. अच्छा, लेसेस कैसे पहनते हैं ये बताएगा. ये भी पूरा इलास्टिक इसके पीछे स्टिच हुआ हुआ होता है. अच्छा, तो ये अपने स्कार्फ के ऊपर. जैसे आप पूरा स्कार्फ पहन लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसके बाद ये जो है ये इधर से ऊपर से वो होता है ये ऐसे. ओके, ऐसे जी. अच्छा, जैसे मैंने अभी स्कार्फ पहना हुआ है तो आई कैन वेयर इट. मैं ऊपर से पहन सकती हूँ. आपके पास हेयर बैंड आते हैं जो पहन के दिखाओ तुम्हारे पर ज्यादा, क्योंकि इस टाइप की जैसे मैं हेल्प करूँ. ये अच्छा, ऐसे सही है. आपने यू पहन लिया एंड देन आप इसके ऊपर एक और दफा भी आप स्कार्फ का ड्रेप डाल सकते हैं. तो फिर ये नजर कैसे आएगा. नहीं, पीछे की तरफ. तो ये पार्ट छुप जाएगा आपका जो इलास्टिक है और ये पार्ट दिखेगा. और आप ऐसे रहने भी दे सकते हैं. इट्स अप टू यू. हाँ, और बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा. और जो मेटल के अभी आ रहे हैं हेयर बैंड्स आपके पास, जैसे ये मेटल का है, ये भी इसकी एक्सेसरी है. आपको अगर फॉर्मल करना है, नॉर्मल आपका प्लेन अबाया है, आपको उसको फॉर्मल बनाना है, तो आप ये अपने पर्स में रख लें. नादिया, तुम ये लगाना चाहोगे. नादिया, ये वाली एक्सेसरी तुम यूज करनी ओवर द स्कार्फ. ओवर द स्कार्फ. ये स्कार्फ नहीं, अभी इनको जो है वो हम झूमर और वो वाला लुक. अच्छा, वो वाला लुक दोगी. ठीक है, ठीक है. वैसे ये भी जो दुल्हन ने बनना चाहती है पार्टी वेयर के लिए, पार्टी वेयर या जो शादी में जाना चाहता है, शादी अटेंड करना चाहता है, और वो इतनी करीबी नहीं कि आप झूमर टीका लगाएं, तो आप ये वाली हेड चेंज वगैरह भी लग सकती है. अच्छा, और क्या क्या एक्सेसरीज मेरे पास है. जैसे हिजाब पिंस है. अच्छा, वो भी थोड़ी फैंसी स्टाइल में है. अच्छा, इस टाइप की. जैसे ये मैं खोल के देखा, खोल के सारी
पिन ले जाए. अच्छा, जैसे आपने पूरा हिजाब पहनने के बाद यहाँ पे आपने कुछ पिन लगानी है, तो बजाय नॉर्मल सेफ्टी पिन लगाने के आप इस तरह के ब्रोचेस भी यूज कर सकते हैं. ये आप यहाँ पे जैसे इस जगह पे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा, कहीं भी आप लगा सकते हैं एक्सेसराइज करने के लिए. जैसे आपने ये लगाई हुई ना, ये चुटकी टाइप चुटकी एक पिन है, ये आपकी नॉर्मल हेयर पिन आप यूज कर सकते हैं. जैसे अच्छा, ये इट्स अ क्लिप, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं. ये क्लोज बनाएगा जरा, ये जैसे चुटकियाँ आती है ना बच्चों के बालों में लगाने की चुटकी, तो ये आप एक्सेसराइज करने के लिए आप इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं. ये आपको इजीली अवेलेबल है, हर जगह आपको मिल जाएगी. अच्छा अच्छा, हाँ और दिखाइए वैरायटी. मेरे पास जैसे स्कार्व्स हैं, पार्टी वेयर के साथ से भी हैं, वो दिखाइए जैसे इस टाइप के. हाँ, मतलब ये पूरा ये खोल सकती हूँ मैं? हाँ आप खोल. अच्छा, जैसे इसी के अंदर लेस है? हाँ, इसी के अंदर लेस है. हाँ, ये और है कॉटन के, ये और कॉटन के हैं ये. हाँ, जैसे वेदर के हिसाब से भी होता है. अच्छा, कि बाल भी खराब हाँ, नहीं हो. और ये बनेगा तो ये फ्रंट पे हाँ, आ जाएगा. ये फ्रंट पे आ जाएगा. अच्छा, और इसके नीचे फिर एक वो बैंडाना सॉर्ट ऑफ पहन सकते हैं, इसी तरह से हल्का सा बाल नजर आएगा ये जैसे. अच्छा, ये दिखाए ये. अच्छा, ये लेस है पूरी इस तरह की लगी, क्योंकि ना मैं अगर जब अबाया शॉप पे जाती हूँ मुझे ये चीजें नहीं मिलती जी. इस तरह की चीजें नहीं मुझे नजर आती. हाँ, ये स्टिच होता है पूरा. अच्छा, ये पूरा आप ऑर्डर पे स्टिच करवाते हैं? और डिफरेंट जैसे लोगों के ड्रेसेस होते हैं तो वो अपने कलर्स बताते हैं, वेडिंग में हम ये पहन रहे हैं, ये हम, तो ये आप कस्टमाइज जैसे ये कढ़ाई हुई हुई है ना, तो ये भी जैसे दुल्हने वगैरह हमें ऑर्डर देती हैं कि बेगी मेरा ये कलर है इस तरह से आप मुझे बना कर दें, तो फिर वो हम उस हिसाब से कस्टमाइज करते हैं. ये पूरा कॉटन ब्लॉक प्रिंटेड है. हाँ. और सिर्फ आपको शादी में ही नहीं पहनना होता, शादी के बाद डिफरेंट ड्रेसेस में बरी के जोड़ों के साथ भी आप उसे वेयर कर सकती हैं. तो उसलिए भी बहुत ये कितना अच्छा ब्राइट कलर है. वही हम कलर्स की बात कर रहे थे, तो ये कलर्स की बात करते तो ये एक ब्राइट कलर है जिसको लेस लगती है. और ये भी दिखाएं खोल कर. और ये वाला भी है जैसे, ये मैं लटाई दूं भाई. हाँ, ये अच्छा, सॉरी मैंने बड़ा गंद. अच्छा, ये जैसे विंटर के हिसाब से भी है, ये थोड़ा नेट का हमने फैब्रिक लिया हुआ है कॉटन नेट में. अच्छा, कॉटन नेट में दिखाएं. ये भी जैसे नेट लगाएगी, ये चीज आपके फेस पे आती है ना तो बहुत प्यारी लगती है. जब ये ऊपर से यूं पल्लू देते हैं आप तो यहाँ पे पूरा गिरता है, तो वो फिर बहुत अच्छा लगता है. ये वन साइड ऑफ द स्कार्फ है. अच्छा, ये एक साइड है. हाँ, एक साइड. अच्छा, क्योंकि तो बोथ साइड होता बहुत फैंसी हो जाता है. अच्छा, जैसे ये लपेट के फिर आ जाती है. हाँ, लपेट के भी आ सकती है और ऐसे भी आप जैसे यूं करके बांधे. जरा आप मेरे सर पे देखें, देखते हैं कैसे लगता है ना. हाँ, लेस है ये, फिर साइड पर आ जाती है. साइड पे भी आ सकते हैं आप, उसको ऊपर भी ले सकते हैं. ऊपर कैसे लेंगे? ऊपर लेकर बताओ जरा, मुझे तो हिजाब बांधना नहीं आता. ये अरब जो आपका स्टाइल है ना, इट्स सो सिंपल, हम लोगों को लगता है पता नहीं क्या मुश्किल है, लेकिन बहुत सिंपल होता है. आप आराम से इसको आप लेके जाए और ये आपके ऊपर आ. वाह, कितना अच्छा लग रहा है. ओ वाओ, अच्छा. तो ये तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे करते हैं, हमें समझ नहीं आता था जी. और इसको यहाँ पे आप ब्रोच लगा लें या कुछ इस तरह से ना, यहाँ पे ये कवरेज करने के लिए ना, तो आप पूरे. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अबाया पहनने के अलग अलग तरीके. अच्छा, अब जो है ना मैं नादिया के पास जाती हूँ, फिर मैं आप दोनों के पास दोबारा वापस आऊंगी, तो आप लोग अबाया पहनने के मुख्तलिफ तरीके हमारी पब्लिक को दिखाएगा, फिर आपके अबाया हम यूज करेंगे. ठीक है. हाँ, सॉरी, हिजाब, मैं अबाया बोल गई, हिजाब दम. अच्छा जी, अब हम नादिया के पास चल रहे हैं और देख रहे हैं कि वो किस तरह का मेकअप कर रही है. क्या बेस तो लगी हुई थी, लेकिन उसने सारा मैच करके आई मेकअप तुमने हिजाब के हिसाब से चेंज किया है. कपड़ों के हिसाब से, और कपड़ों के हिसाब से जो है फिर वो इसको हिजाब भी पहना रही हैं, और क्योंकि फंक्शन जो है वो मेहंदी की ब्राइड है ये, तो इस वजह से जो है वो मेहंदी वाला जो लुक हम उसको देंगे कपड़ों के हिसाब से. सो दैट्स गोइंग टू बी विथ द हिजाब. अच्छा, मैं एक बात इम्पोर्टेंट पूछना चाह रही हूँ. देखो नादिया, जब आप हिजाब के बगैर वाली ब्राइड तैयार कर रहे थे, तब आपके पास बहुत सारी चीजों का मार्जिन होता है, झूमर, टीका वगैरह वगैरह, तो बाल खुले, फूल लगे हुए बालों का. तो अब जब आप
हिजाब के साथ ब्राइड तैयार करी थी, तो क्या आपको कोई और चीज इनहेंस करनी पड़ती है फेस पे, आंखें या लिप्स, कोई चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट फेस पे करनी पड़ती है? नहीं नहीं, नॉट रियली. फेस के ऊपर जो मेकअप है वो तो डेफिनेटली आपका वही होगा जो फेस को सूट करेगा. अच्छा. और फंक्शन के हिसाब से. अच्छा. लेकिन हम लोग को बालों की हाइट के उस हिसाब से जो है वो फोकस करना होता है. हो सकता है तुम नॉर्मली जब हिजाब ना दो दुल्हन को तो उतनी हाइट नहीं दोगी, लेकिन तुम जब हिजाब दोगी तो हाइट ज्यादा देती होगी. यस, है ना. बट डिपेंड करता है ब्राइड की प्रेफरेंस पे भी, क्योंकि कुछ ब्राइड्स होती हैं वो इतनी ज्यादा हाइट नहीं चाहती हैं. अच्छा. तो हमें उस हिसाब से, और फिर ब्राइड जो जो उसकी एक्सेसरीज होती है ना, कि उनके पास स्कार्फ है नहीं है, बंडाना है नहीं है, उनके पास ज्वेलरी कैसी है, वो चीज़ बहुत मुझे लगता है जो छोटे कद की लड़कियां होती हैं उनके लिए बड़ा सूटेबल होता होगा. वो हाइट अपने बालों की दिलवा सकती है, अबाय में लंबी हील पहन सकती है तो टॉल लगेंगी. क्या ख्याल है, कहाँ गई वो महा? है ना, महा इधर आए ना. हाँ, मैं महा से यही पूछना चाह रही थी कि जैसे लाइक महा, कुछ जैसे लड़कियां जो आपको ऑर्डर करती हैं जिनकी हाइट छोटी, इनकी शादी होने वाली है, तो वो छोटे अबाया बनवाती हैं, वो कहती लंबे हमने नहीं, नहीं वो फिर अगर आपको फॉर्मल अबाया चाहिए तो आप 2 इंच लंबा रखते हैं. डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी हील पहन, क्योंकि हील भी छुप जाएगी अबाया के नीचे और आपकी हाइट एकदम अच्छी लगने लगेगी और आपकी आपकी चाल में भी फर्क आता है. हाँ, उसके उससे चाल में भी फर्क आता है. आइए जी, और महा के अबायाज हम आपको दिखाएंगे जो मॉडल्स ने कैरी किए हुए. मॉडल्स प्लीज यहाँ आ जाए ताकि फिर हम आपको दिखा सके और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे. जी आ जाए प्लीज मॉडल्स यहाँ और अबाया ताकि हम उनकी फॉर्मली. वो 16 साल से 23 साल तक होनी चाहिए, तो जनाब रुख कीजिए पीसीबी क्रिकेट ग्राउंड लाड़काना का 6 दिसंबर. अच्छा जी, अब हम आपको दिखाएंगे नादिया मेहंदी की ब्राइड जो हिजाब में है वो तैयार कर चुकी है और देखिए कितनी हसीन और खूबसूरत लग रही है. आइए मिलकर देखते हैं. जी ما هو كان في بالي وخيالي بنسمو
बहुत खूबसूरत कपड़े ये हारिस शकील के पहने हुए हैं फाकिहा ने, और हसीन मेकअप नादिया हुसैन सलोन का हुआ है। नादिया ने खुद आपकी आंखों के सामने से सवारा है, और हिजाब में भी दुल्हन कितनी प्यारी लग सकती है अगर हाथ जो उसको सवारने वाला है वो नादिया का हो, है ना। नादिया कुछ कहना चाहोगी तुमने इसको, इसके साथ बंडाना इसका बनाया है वो नेट वाला जो उनका था, क्योंकि एक्चुअली जो कमीज के जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन टाइप है, सो आई ट्राइड टू मैच द बंडाना टू द ऑलिव ग्रीन कमीज। सो अंदर से अगर आपके बाल कवर्ड हुए हैं, अगर इसमें फुल कैप भी होती, क्योंकि इनके पास अच्छी कैप भी नहीं है, वरना ब्राइड अपनी पूरी अगर फुल कैप ले आती है तो वो उससे एटलीस्ट बाल जो है वो पूरे छुप जाते हैं अंदर से, तो अगर नेट का दुपट्टा भी होता है तो बाल जो है वो आपके नजर नहीं आते हैं। सो अगर आपने बंडाना बांधना है और नेट का भी दुपट्टा है, सो इट्स आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। और इसमें एक खास चीज नजर आ रही है कि जैसे कोहिनूर की ज्वेलरी कितनी अच्छी तरह प्रेजेंट की जा रही है यहाँ, झूमर भी लग सकता है, मतलब एक आइडिया मिल गया। वैसे मैंने नहीं देखा किसी को ना, लेकिन तुमने एक अच्छा आइडिया दिया कि आप झूमर भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, झुमके भी नजर आ रहे हैं, यानी कि दुल्हन अपनी ज्वेलरी भी कैरी कर सकती है। हिजाब का जो आई वुड से कि जो मेन फोकस जो होता है ना वो ये कि आपके बाल नजर ना आए, तो अब अगर बाल नजर नहीं आ रहे, ऊपर से दुपट्टा भी पूरा कवर्ड हुआ हुआ है, मतलब जिस तरीके से हमने इसकी स्टाइलिंग की है तो वो पूरा कवर्ड हुआ हुआ है, एंड क्योंकि मेहंदी की ब्राइड है या मायू की ब्राइड है तो उसमें ये कि ठीक है एक सिंगल झूमर दे दिया एंड थोड़े से इयररिंग्स दे दी, लेकिन ओवरडू इसकी ज्वेलरी को नहीं किया। सो आई थिंक यू नो द अंडरस्टेटेड किस्म का लुक थोड़ा सा मेहंदी, तो मेहंदी का ये लुक आ गया। अब हम शादी के लुक पे जाएंगे फाकिया, तुम जाके चेंज करो। और एक लुक हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कंफर्टेबल रहती हैं ब्लैक अबायाज में, ज्यादातर उनके पास अलग अलग तरीके के अलग अलग स्टाइल के ब्लैक अबायाज होते हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि माँ के पास ब्लैक अबायाज की भी बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है, और वो ऐसी कलेक्शन है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो आप पहले सबको वॉक करते हुए देखें, फिर एक एक को रोक के मैं उन पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो बड़े एक मुझे जो अबायाज लगे बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत वेयरेबल है, मतलब कि जो बटन्स नहीं पहनना चाहते उनके लिए। आइए देखते हैं ब्लैक कलेक्शन ऑफ महा। चाहूंगी कि इस अबाया को पहले डिस्कस करें महा, ताकि फिर निदा जाए चेंज करने, क्योंकि यही वो दुल्हन बनाई जाएंगी, लाइक ब्राइडल अबाया पहनेंगी, अच्छा हिजाब पहनेंगी, सॉरी महा। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में कुछ डिस्कस करें कि ये वो वेलवेट का अबाया है जो आप कहीं थी सर्दियों में, इसका भी बहुत अच्छा फ्लो है नादिया, है ना। वेलवेट तो डेफिनेटली मोस्ट सर्टेनली बहुत खूबसूरत मटेरियल है, एंड आई रियली लाइक द कट, डेफिनेटली ये महाले के ये ब्रोच के साथ बंधा हुआ है। प्लीज बताओ बेसिकली इसको आप अराउंड 7 to 10 वेज हैं पहनने के इस अबाये को। कैसे? तो आप एक ये तरीका है कि आप अगर फॉर पीपल जो लोग नया नया अबाया पहनना स्टार्ट करते हैं तो वो एज अ श्रग इसे यूज कर सकते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, से दूसरा ये है सिंपल स्टाइल सामने से खुला, दूसरा ये है कि आपने सेंटर में सिंपली एक ब्रोच ले लिया कोई भी, जैसे अभी इसे पहना हुआ, यू जस्ट पुट इट हियर। ओके, अगर आपको थोड़ा फॉर्मल बनाना है इसको थोड़ा आपने ज्यादा से गैदर किया सेंटर में से, एंड देन द ब्रोच गोज, ये ब्रोच यहाँ पे आता है। ओके, ज्यादा गैदर, अगर एक बार लॉन्ग करके प्लीज ये दिखाएगा, इतना क्लोज नहीं दिखाएंगे आप, लॉन्ग करेंगे थोड़ा तो हमें आपको सही यहाँ पे आ जाएगा, इससे आपको क्या होगा थोड़ी सी फिटेड आपकी लुक आ जाएगी, आपका थोड़ा सा शेप, जैसे आपका आप अगर बहुत पतले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको दिखाना है इस तरह करना है। अच्छा, सेकंड तरीका, कुछ लोग होते हैं उनको वो बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी अंदर से कपड़े नहीं दिखने चाहिए मेरे, तो उनके लिए ये है कि आपने एक साइड दिया, अंदर
आपने पिन कर लिया, ठीक है, कोई भी सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। द अदर साइड वो इधर आएगी, यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे, और वो कितना डिसेंट लग रहा है, और ये वो होता है, इसकी वजह से स्टार्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और स्टाइल आपकी कैजुअल वेयर में आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं फॉर्मल भी लग रहा है, बिल्कुल कैजुअल फॉर्मल दोनों के ऊपर ज्वेलरी अगर पहन ले बहुत सारी तो बहुत आसानी से जो है ये, और मटेरियल अगर आप फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस का मटेरियल ले लेते हैं तो वो ये कि आपका ऊपर से जो है ये एक श्रग नुमा बन जाएगा और पूरा का पूरा ढका हुआ होगा। अच्छा जैसे ये ज्वेलरी है जो पहनी हुई, कितनी अच्छी लग रही है, कोहिनूर की ज्वेलरी है, इसके ऊपर बिल्कुल सूट कर रही है, वाओ। अच्छा फिर इसको अगर आपको थोड़ा फॉर्मली पहनना है तो आप इसको जरा सा दूर से पकड़े, आपका काउल क्रिएट करेगा यहाँ पे, एंड देन द ब्रोच को ये रब ब्रोच, ओके ये काउल आ जाता है, और ये अंदर का पिन हुआ हुआ का पिन हुआ हुआ, ये ऊपर से, मतलब ये चौथा स्टाइल है आप जो बता रही हो। फिर इसको अगर आपको ज्यादा जैसे आपके पास लंबा एक नेकलेस है या कोई बड़ा सा आपके पास पेंडेंट है और वो आपको पहनना है तो आप इसको बिल्कुल एज से पकड़ लें, अच्छा ये आपका यहाँ आ जाएगा और आपका ये अंदर आपने नेकलेस पहन लिया, पेंडेंट पहन लिया, आपकी जो ज्वेलरी आपने इनकॉर्पोरेट करनी वो आप इसके ऊपर। एक और स्टाइल आ गया जी, मतलब के पांचवा आपने मुझे तरीका कार पे। फिर आप ये इसको यहाँ पे भी यूज कर लगा सकते हैं, अगर आपको अपना ब्रोच दिखाना है, बिकॉज़ यूजुअली ये लोग कवर करते हैं अपना तो उनके स्कार्फ में छुप जाता है, तो अगर आपको ब्रोच शो करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, फिर आप इसको इस तरह भी लेकर जा सकते हैं यूं, क्रिस क्रॉस में, ये को सातवां तरीका बता रही है। एंड देन फिर एक और स्टाइल है, उसमें होता है कि आपने बिल्कुल इसको इसके जो दोनों कॉर्नर्स है नीचे के ये आपने पकड़ा, इसके ऊपर एक नॉट बांधी, ठीक है, तुमने कोई रहता है थीसिस पढ़ा हुआ है इसके ऊपर है, मैंने थीसिस किया हुआ पैरल पे, जी अच्छा, और ये जो है पीछे आप जाएगा, ओके, और ये सेंटर में से आपने यू बंद करना है ऐसा, जबरदस्त, मतलब वो पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया, ऊपर ऊपर तो खैर आपने स्कार्फ तो पहना है, आप स्कार्फ आ सकता है आपसे, ये आ गया, यहाँ आपने सेंटर में ब्रोच करना चाहे तो आप ब्रोच कर सकते हैं, इफ यू वांट टू लीव इट ओपन, जैसे यंग लड़कियां हैं वो यू नो उनको जीन्स पहनी हुई है उन्होंने ऊपर से शर्ट पहना तो वो आगे से खोल दे, बेशक यू नो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो किस तरह इसको कैरी करना, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो तुम चेंज करने भागो, ओके जी। तो अब हम नेक्स्ट अबाया दिखाने वाले हैं, ब्लैक कलेक्शन इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सेगमेंट में आप ओवरऑल पूरी ब्लैक कलेक्शन देख पाएंगे, यहाँ हमारे रूबरू जो है वो कंपटीशन भी चल रहा है और सुकून से हमारी कंटेस्टेंट जो है वो अपने मेकअप में लगी हुई है, आराम आराम से बाल बना रही है, आराम आराम, टाइम शॉर्ट है, टाइम नहीं है इतना, हाँ टाइम, ओके जी आइए जी देखते हैं ब्लैक कलेक्शन का एक और रूप अबाया की, आ जाए जी, अच्छा जी अब ये यहाँ पे हमारे पास मॉडल है, इनके बाय के बारे में बात करते हैं, नादिया अगर तुम इसको ज्वेलरी पहनाओगी तो कहाँ कहाँ जगह है ज्वेलरी पहनाने की, कहाँ पहना सकती है ज्वेलरी, तो इनको माथे के मतलब अबाया के ऊपर भी पहना सकती हैं, जैसे कि इनके पास एक, आओ जरा कोहिनूर के काउंटर पे चलते हैं, जरा कैमरामैन भाई, हाँ हाँ ये ओके, ये एक छोटी सी जो है ये भले आई मीन इट्स जस्ट इट कैन बी वर्न एज अ नेकलेस पाजेब, इसका साइज ऐसा है, ठीक है,
तो इसको जो है वो आप आराम से ऐसे भी पहन सकते हैं, मतलब कि यू नो एक थोड़ा सा माथा पट्टी टाइप जो है, और इसको इसके अंदर जो है वो छुपा सकते हैं यूं करके। जाहिर है तो मुझे एक टेस्ट में पता है जो आपने मतलब लाइक वो जो जूड़ा पेन होती है हाँ इस तरह भी कर सकते हैं सेफ्टी पेन से। ये पाजेब है क्या है ये? जी ये पाजेब है। अच्छा इसको हम माइयों की दुल्हन की बनवाई। अच्छा अंदर से अंदर से नहीं वो पिन मैंने कहा स्कार्फ में होल ना हो जाए दूसरी पिन जूड़ा पिन सही रहती है इससे होल हो जाता है। सेफ्टी पिन या जूड़ा पिन सही रहती है बस अंदर से अगर इसको हम करेंगे ना यूं करके तो ये इस तरह जूड़ी लग सकती है। जूड़ी इस तरह भी लग सकती है इन इसको अगर ऐसे भी लगा सकते हैं ज्वेलरी मतलब कि आपने हाँ ये इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि इनका गला खाली है तो इनको अगेन जो है वो हम लोग इनको कोई सा भी जिसने आप अगर ये नहीं ये तो खैर इनको गले में डाल सकते हैं। इतना प्यारा है ये वाला वाओ ये दिखाओ जरा पीछे से डालो इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर तो हर चीज अच्छी लगती है और ये कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ। ये नेकलेस बहुत खूबसूरत है ऑफ कोर्स इयररिंग्स तो इनके साथ आराम से आ सकते हैं क्योंकि इयररिंग्स इनके नजर आ रहे हैं ठीक है ना इनके 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 इयररिंग्स इस नेकलेस के साथ कोई इयररिंग्स है? जी जी अगर छोटे से भी हम करें ना छोटे अच्छा ये भी यूज कर सकते हैं जो हमारा। अच्छा आप बता रही थी आपके पास जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे ब्लैक अबाया पहनते हैं उसको एक्सेसराइज करने के लिए इनके पास कोट्स हैं जो हाँ दिखाएंगी आप कुछ कोट्स भी हैं और ये अबाया बड़ा जबरदस्त है ये मुझे दिखाना है आपको कितने सारे तरीकों से ये इन्होंने पहनाया है। अब जैसे ब्लैक अबाया जो प्लेन पहनते हैं ना ये इसके ऊपर कोट जैसे इन्होंने भी पहना हुआ है जैसे मैंने भी पहना हुआ है हाँ। और ये डिफरेंट जैसे ब्लैक अबाय के ऊपर अगर आप कहीं जा रहे हो पार्टी वेयर में हाँ। या कहीं इस तरह कैजुअल लंच वगैरह में तो आप इस तरह के कोट्स जो हैं वो पहन के जा सकते हैं। ये अच्छा ये मतलब अबाया के ऊपर अबाया के ऊपर हाँ जिसको ज्वेलरी नहीं पहननी है तो वो उसको ज्वेलरी नहीं पहननी है कर ले। अच्छा ठीक है पर इसके हाँ खैर आई मीन अगर आप इसको पहन रहे हैं तो फिर अबाया की शेप जो है वो तो खैर वही प्लेन सिंपल प्लेन सिंपल सिंपल। अच्छा मैं बताना आप प्लीज दिखाना चाहूंगी कि किस तरह की बेसिकली ये अबाया है उन लोगों के लिए जो लोग बटन्स नहीं यूज करना चाहते हैं हैसल फ्री अबाया है तो इसको पहनने का ये तरीका है आप निकाल सकते हो। मैं हार उतार दूं क्या? अच्छा मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ क्योंकि फिर और बाया आएंगे। ओके ये आप देखो बेसिकली ये सामने से एक ये तरीका है कि ये सामने से इन्होंने जी इधर से पहना फॉर एग्जांपल ये एक कैसे दिखेगा ये दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल ये आम होल है ना ये और एक आस्तीन आस्तीन ये है ठीक है सो ये अंदर गया हाँ एंड दूसरा साइड जो है ये इस तरफ से आपने पहन लिया ये एक और स्लीव है इसमें आपने हाथ डाल दिया। ओके आपको कोई बटन की जरूरत नहीं है आपको कोई बटन की जरूरत नहीं आपने सिर्फ पहन लिया और ये फ्लैप जो है आपके सामने आ गया। अच्छा और इसी को आप दूसरे तरीके से ही पहन सकते हैं आपने पहले स्लीव में हाथ डाला और फिर आपने वो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैंने स्लीव में हाथ डाला ये और अब दोनों स्लीव में हाथ डाला और बाद में आपका जो आर्म होल है उसमें आपने हाथ डालना है तो ओके तो ये जो फ्लैप है ये पीछे चला जाएगा। ओके अब आप मेरी मर्जी कि मैं ऐसे पहनूं बिल्कुल दूसरी तरीके बिल्कुल। ओके जी इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद देखिए और ज्यादा अबाया महा की कलेक्शन और हिजाब में ब्राइड आप देखेंगे कि शादी का मेन दिन और दुल्हन को किस तरह हिजाब करके खूबसूरत बनाया जा सकता है साथ कंपटीशन भी चल रहा है साइड बाय साइड। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी मैंने भी मॉडल्स की तरह बाया चेंज कर लिया है महा का। महा की इतनी प्यारी कलेक्शन है व्हाइट और मुझे पहन के ये थोड़ा शॉर्ट है ना महा? इट्स अ शॉर्ट कोट जी। इट्स अ शॉर्ट कोट अंदर भी मैंने कुछ इस तरह की लंबा पहना हुआ है लेकिन ये कुछ लोग जैसे जीन्स के ऊपर या कुछ ट्राउजर के ऊपर करते हैं कि हम शॉर्ट पहने उनको कैरी करना बिल्कुल बिल्कुल जैसे जिनके बच्चे हैं जिनके बच्चे मेरे खुद बच्चे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं बच्चे को पकड़ू के अबाया उठाऊं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब लाइक शॉर्ट अबाया भी पहन सकते हैं आपकी पूरी बॉडी भी कवर हो गई है तो आपकी टांगे भी इतनी साथ आप नीचे आप क्यों लॉस पहन ले स्ट्रेट पैंट्स पहन ले ना आप कुछ फिटेड ना पहने तो आई थिंक इट ओके सर्व्स द पर्पस। ये अच्छा लगेगा। ठीक है जी हम और कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं अबायास की जो महा के हैं। आइए जी हमारे मॉडल्स इतने प्यारे प्यारे कलर्स के अबायास हैं आ जाए भाई प्लीज
और यहाँ नादिया हुसैन दुल्हन तैयार करी हैं हिजाब के अंदर, खूबसूरत दुल्हन बनाई जा रही है जी। निदा हमारी मॉडल है और खूबसूरत हाथ उनको दुल्हन बना रहे, नाखून तो देखें जरा, आहा हा नादिया के नाखूनों में तो मैं वारी जा रही हूँ। आज मैं प्लीज ब्राइडल कलेक्शन, वो सॉरी अबाया कलेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा मुझे कोई अरेबिक पीछे साउंड दे दी जाए। उनके लिए जो अपने अपना बॉडी दिखाना नहीं चाहते, फिगर नहीं शो करना चाहते, तो ये कितने मोटे हैं कितने पतले हैं किसी को भी पता ही नहीं चल सकता अंदर से आप क्या हैं। मैटर्निटी अबाया की तरह आप यूज कर सकते हैं, यू नो, अगर आप यू आर एक्सपेक्टिंग फैमिली वे में है तो आप उसको, ये आपके लिए बहुत अच्छा अबाया रहेगा उस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। आइए जी अगला अबाया हम आपको दिखाते हैं। अच्छा ये भी वही है कि लाइक लूज है, कोई फिटिंग्स नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर जैसे आपका फॉर एग्जांपल शोल्डर जो है आपका पतला है, इसका मटेरियल को क्या कहते हैं? ये पुलच्ची है, ये पुलच्ची है। अच्छा जी हाँ, क्या कह रही हो आपके शोल्डर्स, आपके जैसे अगर आपके शोल्डर्स स्लीक है और आपका हैवी हिप है तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू बिकॉज इसके अंदर फ्लेयर है। अच्छा इसका फ्लेयर है तो इट मतलब आपकी अगर पेयर शेप बॉडी है, बिल्कुल पेयर शेप बहुत अच्छा है ये उनके लिए। अच्छा ये भी होता है कि जिनकी एप्पल शेप बॉडी है उनके लिए अलग किस्म का अबाया होता है, वो किस तरह के होते हैं जो ऊपर से हैवी और नीचे से स्लीक है? उनके लिए फिर डिफरेंट डिजाइन है, जिस तरह आप यू नो आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो रहे हो इस तरह का आप ले लें ताकि आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा दिखे नहीं, आपका आर्म ना दिखे। अच्छा फिर आप मुझे दिखाइएगा कौन सा अबाया। ठीक है जी आप भी जाके चेंज करो। हाँ नेक्स्ट अबाया प्लीज। बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो प्रिंटेड पहने, उनको प्लेन नहीं अच्छा लगता। देखिए ना आजकल लॉन पे सलवार पे भी प्रिंट है, कमीज पे भी प्रिंट है, तो ये मेरा ख्याल से उन लोगों के लिए कि लाइक स्ट्राइप्स हैं और प्रिंटेड स्कार्फ है बिल्कुल, और डिफरेंट फैब्रिक भी इनकॉर्पोरेट करा हुआ है, जैसे ये जो है स्ट्राइप्स है ये लेदर है। अच्छा ये लेदर है? लेदर है, ये लेदर स्टिच्ड ऑन नेट है and there's this lining inside. ओके ये व्हाइट व्हाइट सारा लेदर है, ये पूरा नेट है, ये पूरा नेट है और इसके ऊपर ये व्हाइट जो है वो वेरी नाइस। अच्छा आप डिफरेंट आप अगर फैब्रिक आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ओके ओके अच्छा अपनी पसंद का फैब्रिक लेके आपने स्टिच करवा लिया, जरूरी नहीं है कि हम वही जॉर्जेट वही एक टिपिकल फैब्रिक के ऊपर से हट के अगर हम वैरायटी देनी है, अगर आप रोज अबाया कैरी कर रहे हैं तो आप चाहते हैं अगर आप कहीं भी काम पे जाएं आपकी वार्डरोब अबाया से भरी हो। ठीक है अभी जाके चेंज करो। ठीक है हम इनके चेंज करने के बाद हम आपको और मजीद अबायास की कलेक्शन दिखाएंगे।
वहाँ आप जाके उनको ताकि नया बायास दो अच्छा। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उससे पहले कि हम और चीज दिखाएं। बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं ऑब्वियसली जिनका वजन ज्यादा बढ़ जाता है बच्चे होने के बाद, उनके लिए एक खास अबाया है महा के पास, वो हम ऑडियंस में से किसी को उठा के पहनाना चाहते हैं। आप सबसे खाते पीते खानदान की लगनी है, इधर आए ना। जी आप अपना अबाया लाइए। ये अब जैसे होता है ना अक्सर कितनी डाइटिंग कर लो कितनी कुछ कर लो नहीं कम होता वजन, तो इसके लिए एक ऐसा अबाया है महा के पास जिसकी मदद से आपकी बॉडी साइज का पता नहीं चलने वाला। ये हम इनको पहना के दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या मटेरियल है? दिस इज क्रिंकल जर्सी। अच्छा सीजर हुए ना पांच बच्चों के, पांच ने दुपट्टा उतार लिया। हाँ पांच बच्चे हैं माशाल्लाह और पांचों ऑपरेशन से हुए दो। अल्लाह ये बड़ी जवान लग रही हूँ, फिर भी मोटापे में भी जवान लग रही हूँ। हाँ अच्छा तो ये ऐसा अबाया है आप कह रही हो कि जिससे लाइक जैसे इस बॉडी का जैसे कह रही थी ना कि शोल्डर जिनके हैवी हों, जैसे इनके शोल्डर हैवी हैं पर इसके अंदर उनका थोड़ा आर्म भी दिख रहा है और इसमें फ्लेयर भी आ रहा है, तो ये पहन सकते हैं। इसके ऊपर ऐसा नहीं कि इनके बल्जेस नहीं शो होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लुक आएगा और फैब्रिक बिल्कुल वो ऐसा पतला वाला नहीं है, इसमें क्रिंकल है। और अब अगर आप थोड़ी हील पहन लोगी तो वो एक बड़ा अच्छा लुक आ जाएगा, बिल्कुल सब कुछ कवर हुआ है। अभी तो आपने चप्पल पहनी है, शूज पहने हुए ना, अगर आप हील पहन लोगी तो एक अच्छा लुक आएगा, बजाय इसके कि जो हम लॉन के कपड़े बनवाते थे सारी बाल नजर आते हैं कि हमारे पेट पे कितने बाल हैं, पीछे कितने बाल हैं, गिन सकते हैं, है ना। लेकिन ये अबाया से पूरा तुम पहनना शुरू कर दो, ये अच्छी लग रही हो, पसंद है? नहीं। अच्छा वो फिर तो उनकी मर्जी भाई। ठीक है ठीक है, आप कहाँ चेंज करवाओ जाकर और आप फिर मैं आपसे ले लेती हूँ। अच्छा जी यहाँ नादिया जो है वो फुल दुल्हन को तैयार करने में लगी हुई है, तब तक नादिया उधर तैयारी में लगी हुई है और वो बिजी है, तो मैं आपको जरा जरा सी यहाँ दुल्हन दिखाऊं। हाँ भाई कहाँ तक पहुंचे आपका काम? फुल भाई शेप में है दुल्हन। अभी मैं इनका गाउन नहीं हटा के आपको दिखा रही, सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि देखे हिजाब के साथ इन्होंने मेकअप किस तरह एनहेंस किया है और टीका थोड़ा बहुत आप लोग देख ले इससे पहले कि नादिया देखे, ताकि आप लोग भी फैसला कर सके और बुंदे भी पहनाए जी, हार भी पहनाए, सब कुछ हम आपको भी दिखाएंगे। फिर यहाँ यहाँ तो आपकी दुल्हन तो बिल्कुल तैयार हो गई है, दुल्हन तैयार है और फुल मल्टी कलर ज्वेलरी भी पहनाई है, हिजाब भी पहनाया है, तो वो एक इन्होंने अपनी तरफ से लुक दी है। अब वो नादिया फैसला करेंगी, आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। हाँ ये ओ हो हो इनका ये तो कहीं से ये ले आई भाई एक्सेसरी, फुल दुल्हन को गोल्डन गोल्डन बनाए थी, दुखी क्यों? कोई बात नहीं आ जाना अम्मी से मिलने। मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है अभी किसी की शादी नहीं हो रही, तो सारे मॉडल्स हैं। ओके जी मेहंदी भी लगा के लाई है, ये देखें रेड किस तरह रेड और गोल्डन के साथ उन्होंने किया। और आपकी कितनी तैयारी रह गई है? हो गई? ये पर्स नहीं लेके बैठना इसके साथ। पर्स उनको पकड़ा दो। हाँ दिखाओ भाई इस तरफ हो जरा सा। आ, ये अब ये देखें इन्होंने ये पिन यहीं रहेगी, हटाओ जल्दी से नादिया, देखिए इससे पहले जल्दी से पिन हटा लो, दुल्हन की यहाँ पे पिन सारी तस्वीरों में आएगी और फिर नीचे लिखा आएगा तुम्हारे पार्लर का नाम, सोच लो। ये छुपा के लगाओ, इस पिने नजर नहीं आनी चाहिए। ओके जी तो अब नादिया तुम्हें कितनी देर है? नहीं ज्यादा देर नहीं है, ये थोड़ा सा ये हार अच्छा। निकालो निकालो निकालो। हाँ अच्छा हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना तो फिर हम ओ नथ भी पहना रही हो, वाह वाह वाह, जरा थोड़ी सी पीछे होंगी, मैं देखना चाह रही हूँ कि नथ भी पहनाइए, इतनी खूबसूरत नथ है, ये आप लोग की है? वाह क्या यार छोटी नथें कहाँ मिलती है, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है कोहिनूर की, मैं तो देख के खुश हो गई हूँ, वेरी नाइस माशाल्लाह। हाँ नादिया थोड़ा सा बताती भी रहो ना साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले पहले। अभी बेसिकली इनका जो है वो हम लोग इनके इनको माथा पट्टी वाली लुक दे रहे हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा इनको अब जब इनका स्कार्फ जो है हो जाएगा सेट हो जाएगा सेट हो जाएगा, इसके बाद जो है वो हम स्कार्फ के ऊपर इनको जो है वो दुपट्टा दोगी और फिर सारा दुपट्टा तो इनका नॉर्मल तरीके से होगा, लेकिन जो इनका जो चोकर है वो इनके स्कार्फ के ऊपर ही आएगा। So we're gonna make it. अच्छा तो हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पूरी फाइनल लुक एक हिजाब में ब्राइड की देखेंगे, ठीक है। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक खूबसूरत दुल्हन को हिजाब में देखने के लिए, बल्कि बहुत सारी खूबसूरत दुल्हनें यहाँ तैयार हुई हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आप देख रहे हैं आज का खूबसूरत शो, जिसको मैंने खुद तो बजाते खुद बहुत इंजॉय किया. इतनी खूबसूरत माँ के अबायास, कोहिनूर के इतनी खूबसूरत ज्वेलरी और हेवेंस ड्रेप्स के इतनी ज़बरदस्त एक्सेसरीज थी. साथ नादिया का इतना प्यारा मेकअप था कि चार चांद लग गए. सबसे पहले मैं दुल्हन दिखाना चाहूँगी आपको, जो नदा इतनी खूबसूरत लग रही है. नादिया का हाथ लगते ही ज्वेलरी, हारे शकील के कपड़े और प्यारी शक्ल वाली निदा, ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. निदा प्लीज थोड़ा वॉक करके दिखाओ कि इसकी आंखें नादिया ने कैसी बनाई हैं, और इन हिजाब के बावजूद वो हसीन तरीन दुल्हन लग रही है कि कवर्ड भी है. बहुत मैटर करती है. तो नादिया के हाथ तो है ही अच्छा मेकअप में, लेकिन आप ओवरऑल लुक भी देखें, जिस तरह नादिया ने ज्वेलरी की सेटिंग की है और इसकी पूरी टीम ने मिलके वो चार चांद लगा रही है. नादिया चोकर भी यूज किया है, मतलब खानदान का जो सारा जेवर है वो उसने हिजाब के साथ सब कुछ, जो ट्रेडिशनल दुल्हन का लुक होना चाहिए, चोकर भी है, इयररिंग्स भी है, नथ भी है, माथा पट्टी भी है, माला भी है, यू नो जो हाथों की जो ज्वेलरी है वो भी है. सो हर चीज को रखते हुए मद्देनजर रखते, और ऑफ कोर्स बाल भी कवर्ड है, गला भी कवर्ड है. इवन दो कि गले जो ओरिजिनली गला है उसका कमीज का वो लो है, लेकिन हिजाब की वजह से जो है वो उनका गला भी कवर्ड हो गया है. सो इसमें कोई ऐसी वो चीज फील नहीं हो रही है कि कहीं से कुछ दिख रहा हो. और हम बाकी बायस भी आपको दिखाना चाहेंगे महा की कलेक्शन का. ये एक बहुत खूबसूरत मुझे आइडिया लगा कि महा प्लीज आप खुद बताना चाहोगी कि जैसे कुछ लोग से अगर आपको अबाया पहनना है लेकिन आपके पास फॉर्मल कपड़े भी हैं, क्योंकि वो भी दिखा क्योंकि ऑब्वियसली लूज है, मतलब ये इतने फिगर हगिंग नहीं है, तो आप उसके ऊपर एक केप इस तरह से पहन सकते हैं शिफॉन का, जिससे थोड़ा सा आपका झलकता भी, आपके फॉर्मल कपड़े आपको दिख भी रहे हैं. जैसे हारिस के बहुत हारिस शक्ल के इतने खूबसूरत कपड़े हैं ये, और ये चाह रही है कि इन्होंने बनाए हैं तो दिखाए. तो एक जबरदस्त जबरदस्त. एक आइडिया ये मिल गया, एक आइडिया ये है जो कॉटन है, क्या मटेरियल है ये, क्रेप है, क्रेप लेस के साथ जी पाते हैं. आपने बायास देखे हैं, ये ऑब्वियसली फॉर्मल भी है, कंफर्टेबल भी है, लेकिन जैसे आपको उम्रे पे जाना है, ठीक है, और उम्रे पे जाहिर है आपको मेहनत करनी होती है, तवाफ करना होता है और जो तस्बीह रखने के लिए और बहुत सारी और चीजें रखने के लिए आपको दुआओं की किताब होती है, आपको हाथ में ना पकड़नी पड़े, तो ये इतना जबरदस्त मुझे प्रैक्टिकल अबाया लगा है कि इस अबाया के अंदर पॉकेट्स मौजूद है.
جہاں آپ اپنی دعاؤں کی کتاب رکھ سکتے ہیں، تسبیح رکھ سکتے ہیں۔ ہاں میں نے جو بنوایا تھا ابھی اپنے حج کے دوران کے لیے، وہ یہ کاٹن کریپ میں میں نے پوری زپ والا، اندر اتنی بڑی پاکٹ تھی، تو وہ اٹ واز ریلی، کیونکہ اس پاکٹس میں ہاتھ بھی جا سکتے ہیں، نہ چیزیں نہ گمیں، پاکٹس میں ہاتھ جا سکتے ہیں، چوری بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اندر والی پاکٹ میں جو ہے وہ کسی بھی آپ کے ظاہر اندر والی پاکٹ ہے، لیکن بہت گہری پاکٹ، اور اس کا مٹیریل بھی جو ہے وہ جینز سارٹ آف ڈینم، اور دس از پیور پیور کاٹن ڈینم، تو آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی، اور آپ کے لیے عمرہ اور حج کے لیے پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ ہے یہ۔ ٹائم نہیں تھا پہن کے دکھانے سے، ورنہ میں ہی پہن کے دکھاتی، لیکن اور بھی بہت ساری کلیکشن ہے ماں کی، انشاءاللہ آگے جب پروگرام کریں گے ایک تو اس میں وہ کلیکشن دکھائیں گے۔ اب ہماری جو ساری وہ برائڈز جو کمپٹیشن کے لیے یہاں پہ آئی تھیں وہ سب تیار ہو چکی ہیں، تم لوگ اپنے ابایا والی جو ہے وہ ادھر آ جاؤ، ہماری دلہن جو ہے وہ ادھر آ جائے، سینٹر میں تم آ جاؤ، اور تم لوگ بھی پیچھے ہو جاؤ تاکہ ہم وہ دکھا سکیں۔ آپ ساری دلہنیں جو کمپٹیشن میں شامل تھیں وہ پلیز یہاں ایک ساتھ آ جائیں، تاکہ نادیا جلدی سے جلدی اس طرف آ جائیں سب، تاکہ نادیا دیکھ کے ڈیسائڈ کر سکے کہ کس کو اس نے ان سب میں سے تھوڑی بہتر آپ کو کون سی لگ رہی ہے میک اپ وائز اور ساری جولری کو۔ آئی تھنک ابھی کیونکہ ہم میک اپ کو اتنا زیادہ نہیں فوکس کر سکتے ہیں، اوور آل لک کے حساب سے مجھے جو اچھی جو سب سے بیسٹ جو لگ رہی ہیں وہ آئی تھنک یہ سینٹر والی لگ رہی ہیں، یہ ریڈ اور وہ ہیں جو، کیونکہ ان کا مطلب جو تھوڑا سا سوبر قسم کا، ایون دو کہ انہیں اتنی اسٹائلنگ بھی کی ہوئی ہے، یہ پھول پھول وغیرہ بھی لگایا ہوا ان آل دیٹ، جولری بھی ساری ہے، اور میک اپ کا آئی کانٹ فوکس بیکاز اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن اوور آل لک کے حساب سے میں دیکھ رہی ہوں، میک اپ کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی۔ آپ آؤ ایک منٹ، کیونکہ میں کافی دیر سے، آنکھیں بند کرو، آپ دیکھ سکتی ہو کمپیریزن کر کے کہ کیا ہے کون سے، تاکہ صحیح آپ کا وہ میک اپ دیکھ سکتے ہیں۔ میک اپ تو خیر بہت، میک اپ کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو میک اپ میں کافی وہ ہو جائے گا، فلاز ہیں ابھی میک اپ میں سب کے، تو وہ اس کے میں اس وقت نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن اوور آل لک میں جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا بلینڈڈ ہے، انہوں نے گلٹر بھی استعمال کیا ہے، ان کا کافی ہارش ہو گیا مجھے لگ رہا ہے، لائنر وغیرہ بہت ہارش ہو گیا ہے، سو آپ کے نظر میں آف کورس بنو مطلب باقی سب بھی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن اوور آل لک کے حساب سے ان کا خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گی، جلدی سے ادھر آؤ جلدی سے، اب اگر انہوں نے ان کا کلر کمبینیشن سب اچھی ہے، لیکن اگر یہ پلین استعمال کرتی نا آپ تو یہ اور تھوڑا سا بہتر لگتا، کیونکہ یہ آلریڈی یہ چٹا پٹی ٹائپ کلرفل ہے، اس کے اوپر سے یہ پرنٹڈ جو سکارف ہے اس کی وجہ سے نہیں اتنا، ایون دو کہ میک اپ آپ کا پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، تھینک یو سو مچ، اور یہاں پہ آپ ہوئی ونر، آپ کے سیلون کا نام بتائیے، مائراز بیوٹی پارلر، مائراز بیوٹی پارلر، کس کو لگاؤں اور ان کو لگاؤں، ان کو لگائیں نا، ان کے سر پہ تو جگہ ہی نہیں ہے، ماشاء اللہ سری بھرا، تھینک یو، جی جناب یہ تھا آج کا پروگرام، جہاں ہم نے تھینک یو سو مچ، آپ ادھر جا سکتی ہیں، تھینک یو، جہاں آپ نے دیکھے مہا کی کلیکشن، اور میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گی اگر یہ ابایاز آپ کو چاہیے تو مہا کہاں سے مل سکتے ہیں؟ آپ آن لائن آپ وزٹ کر سکتے ہیں dibaz.com پہ، آپ فیس بک پہ اس کا پیج ہے، اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو تو نمبر آئی تھنک وہ شو ہو رہا ہے، آن اسکرین چل رہا ہے، تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایونز ڈریپس کے نام سے ایکسیسریز تھی، شاپس کے تھرو آپ ان کی ایکسیسریز لے سکتے ہیں، ہے نا، کوہ نور پیج بھی ہے، فیس بک پہ پیج بھی ہے، شاپس کے تھرو بھی آپ، اچھا، اور کوہ نور کی جیولری ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ شاپس کے تھرو ہی کوہ نور کی جیولری، کوہ نور کا اپنا پیج، کوہ نور کا اپنا پیج بھی ہے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، نادیا کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا سیلون جو ہے وہ جو عبداللہ شاہ غازی کا مزار آتا ہے نا، اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو دو گلیاں، فیس بک پیج آپ دیکھ لیں، بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں، کوئل بھی وہی ہیں، اور کانٹیننٹلز بھی وہی ہیں، کراچی میں، کراچی میں، صرف کراچی میں، ہاں، اور منور آنٹی کا کیک بھی کہیں قریب کا، اچھا جی جناب، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ، گڈ مارننگ پاکستان۔